आपने अक्सर कमर्शियल्स में भी देखा होगा कि बड़ा पैक भारी बचत, पर इन कोलगेट वालों की जानमरी देखें। अगर आप छोटी वाली लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा, बड़ी वाली लेते हैं तो उसमें वो टैक्स भी ज़्यादा है और उसकी प्राइस भी जो है ना उसकी ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर में हर बंदा कहता है कि किसी न किसी तरह आपको किसी भी चीज़ पे 10, 20, 15 रुपये आपको किसी पे बचत ही हो जाए तो अच्छा है। तो इस चक्कर में हर बंदा बड़ी चीज़ हमेशा लेना प्रेफर करता है। अब यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखें कि कोलगेट ये टूथपेस्ट है 40 ग्राम, ठीक है। इसकी प्राइस देखें 60 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है, रिटेल प्राइस। और ये कोलगेट 150 ग्राम है, ठीक है, और 150 ग्राम की प्राइस जो 260 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। अब रफली मैं आपको बताता हूँ कि 40 ग्राम अगर टूथपेस्ट है तो हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब पर 10 ग्राम जो है ना देखते हैं कि आपको ये कितने की पड़ती है, ठीक है। अब 60 रुपये को 4 रुपये पे करें, 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 15 रुपये बनते हैं पर 10 ग्राम इसकी प्राइस, ठीक है। अब 15 को ज़रब करें 15 पे तो 225 रुपये बनते हैं इसके, मतलब अब अगर आप छोटी वाली टूथपेस्ट लेते हैं तो आपको ये 225 रुपये की 150 ग्राम मिलेगी, ठीक है, छोटी वाली ट्यूब से लेंगे तो। और इस तरह आपको 35 रुपये इसमें बचत है बड़ी टूथपेस्ट की निस्बत छोटी अगर लें ज़्यादा। अगर मेरी बात का यकीन नहीं किसी को तो ख़ुद कैलकुलेशन करके चेक कर लें, आपको ख़ुद फ़र्क का पता चल जाएगा। तो ये थी दो नंबरी इन कोलगेट वालों की, जो मैंने सोचा कि आप सबको भी ये बात बताऊं ताकि आप शॉपिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इस तरह की और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करके इस बारे में बताएँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो जी, आपने देखा कि हर जगह बड़ा पैक बड़ी बचत वाले जो मुहावरा है ये यहाँ पे झूठ हो गया है। तो लिहाजा आप बजट में रहें, छोटी चीज़ लें और फ़ायदा उठाएं उससे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।